Titanium Group is one and only real estate group which is dealing internationally, nationally project. Today we are going to discuss about UAE. So keep watching this video till end. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ वाजिद अली फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। एज यू नो, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आपको डेली बेसिस पर डिफरेंट रेजिडेंशियल एंड डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपडेट प्रोवाइड की जाती है, ख्वा वो रेजिडेंशियल हो, ख्वा वो कमर्शियल्स हों। सो इसी तरह आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली UAE। आज मैं UAE के एक इनिशियली स्टेज के बारे में, एक इनिशियली स्टेप्स के बारे में डिस्कस करूँगा। जो लोग पाकिस्तान से UAE के अंदर विजिट करने के लिए जाते हैं तो उनको आइडिया नहीं होता कि कौन कौन सी एयरलाइन जा रही हैं, टिकट कितने का है और वहाँ पे कितने दिन स्टे करना है और वहाँ पे होटल रूम्स जो है वो किस क्वालिटी के हैं, किस कैटेगरी के हैं। सो आज मैं इसी के बारे में डिटेल डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं एयरलाइंस के हवाले से डिस्कस करूँ तो पाकिस्तान से कौन कौन सी एयरलाइन जो है UAE के अंदर जा रही हैं, तो इनमें एमिरेट्स एयरलाइन है, एयर ब्लू है, सरीन एयरलाइन है और PIA है। सबसे पहले अगर डिस्कस कर लें कि कौन सी एयरलाइन का जो टिकट है वो कितनी वैल्यू चार्ज कर रहे हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, इसमें जो PIA है, सरीनी एयरलाइन है, एयर ब्लू है, इसमें मिनिमम जो टिकट है आपको 60-65,000 से स्टार्ट होकर 80-85,000 तक की जो है वो कॉस्ट वैरी कर रही होती है। इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से डेज़ हैं। कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जो कि बहुत ही यानी कि अट्रैक्टिव डेज़ होते हैं जिसमें टूरिस्ट जो है वो उनका रश लगा होता है, या जिसमें आप कहने के कुछ फ्यूल के चार्जेस जो है वो इंक्रीज़ हो चुके होते हैं, और इसी तरह उनकी जो फ्लाइट्स हैं उनमें डिले होता है, या फ्लाइट्स जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट जो है वो कितने डिले के बाद पाकिस्तान से UAE के अंदर जा रही होती है। इसके बाद अगर हम एमिरेट्स एयरलाइन को डिस्कस करें तो एमिरेट्स एयरलाइन एक आप कह लें कि एक वेल और लग्जरी एयरलाइन आ जाती है जिसकी जो टिकट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हम डिस्कस करें तो ये आपको टिकट जो है वो 1,00,000 के राउंड बोर्ड, 1,00,000-1,15,000-1,20,000 के राउंड बोर्ड जो टिकट आपको चार्ज या टिकट जो है उसकी कॉस्ट वेरी कर रही होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कौन कौन से वहाँ पे होटल्स होते हैं, उसमें 3-star, 4-star, 5-star इसी तरह जो है वो 7-star कैटेगरीज के जो होटल हैं UAE के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें आपके जो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो बजट है वो क्या है और आपने कितने डेज़ के लिए स्टे करना है। इसी तरह हम यहाँ पर जो है वो एक पैकेजेस जो है वो अनाउंस कर रहे होते हैं, पर पर्सन जो पैकेज होते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह जो 2 पर्सन के लिए या जो कपल हैं या जो फैमिली ओरिएंटेड पैकेज लेना चाह रहे होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंस होती है। अगर मैं आपको पर पर्सन पैकेज जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, जिस तरह हम आपके जो भी बंदा जो विज़िट के लिए या UAE के अंदर जाना चाह रहा होता है, विज़िट वीज़ा हासिल करना चाह रहा होता है, उसके लिए जो पर पर्सन पैकेज हम अनाउंस कर रहे हैं, जो पर पर्सन पैकेज हम दे रहे हैं, इसमें जो डेज़ स्टे डेज़ हैं वो 6 डेज़ का ये पैकेज होगा। पर पर्सन की जो वैल्यू है, कॉस्ट जो चार्ज कर रहे हैं हम, वो 1.50 लाख है, यानी कि आप यानी कि 1,50,000 जो है वो पर पर्सन की कॉस्ट है वो वेरी कर रही होती है। इसमें आपको हम पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, इसमें हम आपको 6 डे होटल रूम की स्टे सर्विसेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, और इसके अलावा जो है वो आपकी जो बाकी पर्सनल मतलब लाइक आपने कोई शॉपिंग करनी है, आपने कहीं पे पर्सनल जिस तरह UAE के डिफरेंट फेमस प्लेसेस हैं, डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उनमें जो है वो बाकी आप अपने पर्सनली कॉस्ट जो भी जहाँ भी आपने जिस तरह भी शॉपिंग करनी होती है, कहीं भी आपने UAE के अंदर ट्रैवल करना होता है, वो आपकी एक पर्सनल कॉस्ट आप चार्ज करेंगे। वो आपने खुद जो है वो अपने एक पैकेज के ऊपर, आपने खुद जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर, अपने बजट के ऊपर वो करना होता है। इसी तरह हम जो 2 पर्सन के लिए या जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो कपल पाकिस्तान से UAE के अंदर विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा होता है, या वो जस्ट टूरिस्ट प्लेस या टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा था, तो उनके लिए जो हम पैकेज अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि 1 पर्सन के लिए जो हमारे पास पैकेज है वो 1.50 लाख है, और इसी तरह जो 2 पर्सन के लिए हम पैकेज अनाउंस कर रहे हैं वो 2.50 लाख से लेकर 3.3 लाख तक जो है वो वेरी कर रहा होता है। तो ये बेसिकली पर पर्सन, 2 पर्सन, और इसी तरह आप जितनी मर्ज़ी अपनी मतलब फैमिली मेम्बर्स को लेकर जाना चाह रहे हैं, पर पर्सन के हिसाब से जो है आप उसको उसकी कॉस्ट जो है वो वेरी करेगी और आप उसको मल्टीप्लाई करते रहें, तो इस हिसाब से जो है हम इसमें आपको टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अनाउंस कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं होटल रूम्स की या होटल के स्टे की बात करूं तो कौन से या किस तरह की कैटेगरी का होटल होगा जिसमें हम आपको स्टे कराएंगे, इसमें 3-star और 4-star स्टैंडर्ड बेस होटल जो है वो अवेलेबल होगा जिसमें हम आपको स्टे कराएंगे। या इसी तरह लाइक आप कोई ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कि जस्ट कह रहे होते हैं कि हमें विज़िट वीज़ा या टिकट
या आप टिकट और वीज़ा जो है वो सिर्फ दे दें, होटल रूम्स के अंदर हम खुद स्टे करेंगे। तो उनके लिए जो है मैं एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ कि पर नाइट जो कॉस्ट आपको मिनिमम थ्री स्टार जो होटल रूम दुबई के अंदर वैरी कर रहे होते हैं उनकी जो पर नाइट कॉस्ट है वो 15,000 से लेके 25,000 तक आपको वैरी करेगी। इसी तरह जो दुबई की अगर वीज़े की बात की जाए तो वीज़ा जो है उसकी कितनी वैल्यू है, कितने का जो वीज़ा है वो आपको पड़ेगा या कितने का वीज़ा जो है वो चार्ज होता है, तो इसमें जो वीज़ा प्राइस है वो 23,000 से लेकर 24,000 तक जो है वीज़ा चार्ज कॉस्ट कर रही होती है। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि यूएई के अंदर जो फेमस प्लेसेस हैं लाइक दुबई मॉल है, बुर्ज अल अरब है, पाम जुमेरा है, जुमेरा बीच है, या जो लोग सी व्यू के जो है वो व्यू देखना चाह रहे हैं उस साइड पर ट्रैवलिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, या आप कह लें कि एक नॉर्मल वीज़ा और नॉर्मल टिकट यानी कि जो एज़ यूजुअल टिकट है, एज़ यूजुअल जो वीज़ा की कॉस्ट है उसके साथ आप 5-7 स्टार होटल के अंदर स्टे करना चाह रहे हैं, तो उनकी अगर मैं प्राइसेस बता दूं और उनके अगर यहाँ पर नाम डिस्कस कर लिए जाएँ तो उसमें जो है वो टॉप ऑफ द जो है दुबई मॉल, दुबई मॉल के अंदर 2700 से लेकर 2800 दिरहम जो पर नाइट स्टे कॉस्ट है। इसी तरह ये पाकिस्तानी रुपीस में 1,70,000 से 1,80,000 बन जाएगी। इसके बाद जो है वो बुर्जुल अरब है, बुर्जुल अरब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग स्टे करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो पाकिस्तानी रुपीस में कॉस्ट है 2,30,000 से लेके 2,40,000 तक यहाँ पर नाइट आपकी कॉस्ट है स्टे करने की। और इसी तरह अगर हम दिरहम की बात करें तो यहाँ पर जो 3,500 से 3,600 दिरहम जो है पर नाइट कॉस्ट बुर्जुल अरब की है। बुर्जुल अरब के बाद अगर हम 4-स्टार स्टैंडर्ड बेस एक होटल रूम की बात कर लें जो कि बिल्कुल सी व्यू के पास है, जुमेरा बीच के बिल्कुल पास लोकेटेड है, यानी कि आप पूरा एक व्यू, एक अच्छा अट्रैक्टिव व्यू और अच्छी और अट्रैक्टिव लोकेशन के अंदर रहना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एक लो बजट जो कॉस्ट वहाँ पर पड़ रही होगी या लो बजट जो होटल है एटलीस्ट पाकिस्तानी रुपीस में 95,000। और अगर हम दिरहम में बात कर लें तो ये 1500 दिरहम जो है पर नाइट आपको चार्ज करेगा। इस होटल की अगर बात कर लूँ तो ये होटल का जो नाम है बेसिकली पाम जुमेरा होटल है, ये जुमेरा बीच के अंदर जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद 4-स्टार होटल्स हैं जिसमें आपके यहाँ के रैफल दुबई है और इसी तरह पाम जुमेरा है, इसी तरह 4 सीज़न होटल है और अरमानी होटल है। 4 सीज़न और अरमानी होटल ऐसे हैं यानी कि बहुत ही पॉपुलेटेड और बहुत ही आप कह लें कि एक लग्जरी टाइप जो होटल्स हैं, आप कह लें कि अपर टू 5-स्टार लेवल जो है वो इनका है। इसी तरह इनमें जो पर नाइट कॉस्ट है या पर दिरहम कॉस्ट है वो वेरी कर रही होती है, डेली बेसिस पे प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, तो डिपेंड कर रहा होगा कि आप कब जा रहे हैं उस टाइम जो कॉस्ट है वो क्या चार्ज हो रही होती है। आलमोस्ट जो प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं उसी के ही सराउंडिंग में ये वेरी कर रही होती हैं। सो व्यूअर्स, दुबई के अंदर हमारे पास डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। इसी तरह ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से या यूएई के अंदर बुकिंग के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, विजिट वीज़ा के हवाले से आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।